सोनी सबके सीरियल मैडम सर में अब चार नहीं बल्कि पांच पांच मैडम सर अपनी दबंगई दिखाएंगी। जी हाँ, हसीना मलिक, करिश्मा सिंह, पुष्पा सिंह और संतोष शर्मा के बाद अब थाने में हो गई है नई मैडम की एंट्री, जिनका नाम है बारबी उपाध्याय। वही आते के साथ ही बारबी ने अपनी चालाकी और अकलमंदी दिखानी तो चाही, लेकिन उसकी चालाकी करिश्मा के सामने धरी की धरी रह गई। शीता चतुर्वेदी, अपना फोन दिखाइए प्लीज। कोई तो फायदा उठाएगा ही ना। कहा था पुलिस वाले हैं, हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। अलर्ट रहना तो खुद ठीक बात है, लेकिन हर वक्त कुछ ज्यादा अलर्ट रहना कभी कभार नुकसानदेह साबित हो सकता है। मतलब तभी की जो फोन आप उठाई है ना, तो हमारा नहीं करिश्मा मैडम का नहीं क्या जी। और मजे का बात तो ये है कि इनको भी पता है कि अभी इनका फोन डाफी। लगता है बारबी मैडम को नहीं पता कि हसीना मलिक की टीम सुपर तेज और सुपर दमदार है, और जब ये चार हसीनाएं मिलती हैं, तो इनके बीच फन अनलिमिटेड होता है। तो सास बहू और बेटियाँ बड़े दिनों के बाद पहुँचा है मैडम सर के सेट पे, जिसमें आपको हम चारों कलाकारों से मिलवाते हैं। प्लीज़ वेलकम पुष्पा जी, जिन्हें आप ऑन स्क्रीन देख ही रहे हैं, साथ में हैं संतोष भी और यहाँ पर है हसीना जी एंड करिश्मा इज ऑल्सो कमिंग। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है सास बहू और बेटियाँ में, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे हैं। और ये बताइए कि किस तरह से शो चल रहा है, किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है? आप लोग के रील्स तो काफ़ी वायरल होते हैं। वो सब क्रेडिट जाता है इनको, ये हमारी रील कुमारी हैं। थैंक यू। सारे रील्स जो आते हैं, जो मेरे भी जो आ जाते हैं कभी कभार गलती से, वो भी यहीं से पंप हो के आते हैं। आग लगानी पड़ती है कि रील्स बनाओ, एक्चुअली डेली आग लगानी पड़ती है, तब जाके ये साल में एक आधा बार रील बनाती है। तो आपसे जानना चाहते हैं, बिकॉज यू आर द सीनियर मोस्ट आउट ऑफ दिस, सो कैसे झेलती हो तीनों को ये बताओ? शी इज द सीनियर मोस्ट बट शी इज द बिगेस्ट किड। यस, मेरे चेहरे से लगता है कि मैं पड़ता है, हम इन्हें संभालते हैं रोज भाई। नहीं नहीं, देखो तो मेरा चेहरा कितना भोला है, मैं कितनी भोली हूँ, मैं तो भोले बच्चे की तरह। पता चल जाता है ना कि अभी भूख लगी होगी इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ कर रही है, अभी नींद आ रही है इसलिए फालतू के जोक्स पर हंस रही है। वैसा हमको इन सबको, हमको सबको पता होता है इनका कि हाँ अभी ये भूख लगने का टाइम है, अभी दूर रहो इनसे। ये मैं तो, पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी पुष्पा जी के लिए, दिल से मतलब हमारा बहुत ध्यान रखती हैं, हमारे लिए खाना पीना कुछ भी चाहिए हो बहुत प्यार से हमें रखती हैं और सबको कंट्रोल में रखती है। अभी आपको करके हाँ कंट्रोल में करोगे? हाँ, मैं ऐसे करती हूँ। कह सकते हैं कि शो में मस्ती तो काफ़ी हो रही है, और ये मतलब टेलीविजन का एक ऐसा शो है जिसमें सास बहू ड्रामा नहीं है, पुलिस वाले हैं जिनकी स्टोरी और जिनकी कहानी आपको नज़र आ रही है। तो कितना इंटरेस्टिंग और रिलैक्सिंग है इस तरह की कॉस्ट्यूम पहना, बिकॉज यू नो टेलीविजन में मतलब हम तो दिन में कम से कम एक या दो बार तो कहते ही हैं कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि सुबह आते ही कॉस्ट्यूम, फिर पैकअप के बाद ही ये कॉस्ट्यूम चेंज करना है। नो कंटिन्यूटी, कुछ नहीं, बस एक हेयर स्टाइल एक ड्रेस बस। अब दूसरे शो में जब भी कभी काम करेंगे तब शायद हमें बहुत तकलीफ होने वाली है। इसी में अगर कभी कभार कोई नया कॉस्ट्यूम आ जाता है तो पहनने के बाद थोड़ा आधे घंटे तक अच्छा लगता है कि अरे कुछ नया, फिर लगता है अरे वर्दी कहाँ है, वर्दी चलो बहुत हो गया ये चलो। क्योंकि इससे पहले जो मैं शो कर रही थी वो तो लक्ष्मी थी उसमें मैं, तो उसमें इतनी ज्वेलरीज थी और यहाँ के कुछ भी नहीं है, तो बहुत ये सुकून बोलती हूँ मैं इसको, सुकून है हमारे सेट पे इस चीज़ का हमें। तो यहाँ पे काम करते हैं क्योंकि ये लोग चारों एक दूसरे के साथ काफ़ी सालों से काम, मतलब ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक साल हो गया है, सो एक साल से भी ज़्यादा हो गया है, और दोस्ती ऐसी है जो गहरी होती जा रही है। सो यहाँ पे कुछ रैपिड फायर होने वाला है, लेट्स सी हु नोज हुम बेटर। कौन है जिसको सबके बर्थडेज पता है? मैंने कर तो दिया। ओके, 17th में, 5th अगस्त इनका आने वाला है, नवंबर में, दिसंबर में मैंने किया ही नहीं था। 18 में,
नवंबर नहीं दिसंबर। अरे पुष्पा जी का बर्थडे कब है? पुष्पा जी का बर्थडे कब आता है? ये प्यार है इन लोगों का मेरे लिए। नवंबर क्या? नवंबर बोल। अरे कब? 6 दिसंबर। नवंबर दिसंबर तो हम भी बोल रहे हैं। किसी को कुछ मिठाई नहीं थी, पार्टी नहीं थी। मिठाई पार्टी नहीं मिली सबसे ज्यादा सेट पे मैं खिलाती पिलाती हूँ सबको। नहीं नहीं सही बात है, सही बात। खिलाती भी और पिलाती भी है। पुष्पा जी आपका बर्थडे कब आता है? 24th दिसंबर। 24th क्रिसमस ईव। अरे यार अब याद आ गया, अब याद रहेगा। सॉरी सॉरी छोली। आपके सेट पे कौन है जो सबसे ज्यादा लेट लगती है? तीनों गुलकी गुलकी। इसने मेरे हाथ खोला ही नहीं अपना। पुष्पा जी एक क्या पुष्पा नहीं हेलो गुलकी और पुष्पा जी दोनों इसमें हम दोनों आज ही मुर्ग मुसल्लम आया। ओके आपके शो पे कौन है जो छुपा रुस्तम है? छुपा रुस्तम कौन है? पता नहीं जवाब दे दो। कोई नहीं है रुस्तम, कोई नहीं है, सबके सब खुली किताब है जाके पढ़ो। छुपा रुस्तम नहीं है, हम चारों। हम में से किसी की लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है कि छुपाना पड़े। ओके नाउ आई आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द बॉलीवुड। अरे बॉलीवुड ठीक है ये टेक इट बेबी इट्स यू आप ही बोलो। आई एम गिविंग यू लाइंस, यू नीड टू कंप्लीट द सॉन्ग। ओके ठीक है। कौन है जो डश डश डश, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। ओके दिल डश डश, दिल डश डश, दिल तो बच्चा है जी। नहीं नहीं दिल डश डश, दिल डश डश, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, ये भी ना दिल दीवाना है। दिल डैश डैश, दिल डैश डैश, दिल दिल मेरा मेरा नहीं, दिल दीवाना, क्या दिल मेरा है? नहीं पता मुझे, पहले कुछ याद आया था। दिल भर ओके, दिल डैश दिल, दिल डैश दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना, ये बोले क्या दिल डूबा। अच्छा ओ शिट यार, इस पे तो हमने रील भी बनाई थी। मैं खुद ही अपना हाथ ऊपर कर रही हूँ। मैं करिश्मा बहुत अच्छा गाती है, युक्ति बहुत अच्छा गाती है। मत करो मेरी बेइज्जती। बहुत अच्छा गाती है और ये सबसे अच्छा कोरस देती है। हाँ नहीं नहीं ये नहीं नहीं सर गलत है, ये अच्छा गाती है। गाते तू तो गाती है ना, एक हो जाए नहीं अपनी बेइज्जती नहीं करो, ट्रोल हो जाऊंगी। ये तीनों है, तीनों पुष्पा जी, पुष्पा जी थोड़ा थोड़ा आता है, ये तीनों बहुत नहीं आई थिंक चारों 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 ये है हमारी पुलिस टीम। आई थिंक हम नहीं एक बिल्लू बिल्कुल चाय लवर बिल्लू बिल्लू बट आप में से बोला जाए तो आप बहुत चाय पीते हो, आप चाय बहुत पीते हो। नहीं यार पुष्पा जी से तो कम ही पीती हूँ मैं। पुष्पा जी नहीं नहीं पुष्पा जी ए, चीता सबसे ज्यादा पीता है, सुबह दो कप शाम को दो कप। यार मुझे कहाँ बता रहे हो? पूछा ना तो आप हम चारों में से ये। अच्छा ठीक है मैं ओके आपके सर पे वो कौन है जिसको सबसे ज्यादा ऑफ हो जाते हैं? मैं इसका बात का जवाब ये है, मुझे आजकल ही से बहुत काम है बट ऐसा है कि हम हमेशा कहते हैं कि हम तीनों लड़ते रहते हैं। ये भी हाँ ये सबसे ज़्यादा लड़ती है चीता में और ये हम लड़ते रहते हैं, एंड में आके चार इतना भाषण झाड़ती है। पूरा क्रेडिट मैडम सर लेके जाती है और मेहनत तो हम ही करते हैं। रूम में सोती रहती है और घर पास में तो घर पे जाके चिल करके आती है। ये भी किस्मत। और हम यहाँ बाइक पे लगे रहते हैं, पुष्पा जी अपना लगी रहती है, सब कंटाप मार रही होती है सबको। Well, ठीक है ओके हो गया। सॉरी बिल्लियों बिल्लियों नहीं भेड़िए को अंगूर खट्टे, किसको अंगूर खट्टे होते रे? बंदर को। बंद नहीं ये बंदर लोमड़ी 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 को अंगूर खट्टे। नहीं नहीं इतना नहीं बट डायलॉग सीन में डायलॉग ज्यादा मैं भूलती हूं। भूल मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं है ऐसे थोड़ा बहुत सब हम मान ऐसे बोलना पड़े तो। और कौन सबसे ज्यादा फंबल करता है सेट पे? पूछा नहीं है वो सवाल, अपने मन से मत बोलो। बता रहे हम क्या था वो? तुम ताबीले कारीफ हो, ताबीले कारीफ हो। सो लास्टली व्हाट यू वांट टू से टू ऑल योर व्यूअर्स? बोलो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। यस प्लीज कृपया जो है मैडम सर रात को 10 बजे देखें टेलीविजन पर। हाँ हाँ शुक्रिया, आपके प्यार की बहुत जरूरत है।